नमस्कार, मैं हूं शुभम और आपका स्वागत है एटीएन लाइव में। सिवान जिले के सरसर गांव में खेतों में पानी लग जाने के कारण किसानों ने किया रोड जाम। किसानों का कहना है कि 2 साल पहले खाड़ी को रोड में NH-85 बना करके भर दिया गया। 2 साल से खेतों में पानी लग जाने के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। उसके वजह से पानी निकासी के लिए किसानों ने रोड पर बैठ कर धरना दिया। मौके पर पहुंचे मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी किसानों को समझा बुझाकर रोड से हटाया। आइए देखते हैं किसानों का क्या कुछ कहना है। बरसात के कारण सरसर गांव के चौरा में लगभग जो 600 बीघे का है उसमें पानी भर जाता है। लगभग कमर से ऊपर तक पानी रहता है, लगभग 8-9 महीने तक, जिसके वजह से उसमें कोई फसल नहीं हो पाता, न खरीफ फसल न रबी फसल। और इसलिए उसमें 5 गांव की भूमि है, परिया, मझवा, बिशुनपुरवा, सरसर, पुरैना, इन गांवों के लोगों की, किसानों की भूमि है। और ये 5ों गांव के किसान इससे ग्रसित हैं, जबकि उसके निकासी के लिए एक बहुत बड़ा कैनाल है, जिस कैनाल से वह पानी निकलता था, जिसको NHI अपने चौड़ीकरण के दरमियान उसको भर दिया। और भरने के पश्चात उसमें नाला नहीं बनने के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है और सभी किसान भूखे मर रहे हैं। यह पिछले सत्र से हो रहा है। हम लोग कलेक्टर इत्यादि पदाधिकारियों, BDO, CO इत्यादि को ज्ञापन देते आ रहे हैं, परंतु इस पर किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम किसान इसमें इसके इस विपदा से मर रहे हैं। बोली, हम लोगों की मांग है कि जो नाला पहले था, कैनाल जो था जिससे पानी उस चमर का निकलता था, उस कैनाल को पुनः बना दिया जाए, ताकि वह पानी निकल करके दाहा नदी में जा करके गिरे और वहाँ फसल हो।